रजत पदक जीत के आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, पर भी हम गोल तो नहीं जीत पाया देश के लिए, पर इसलिए जैसे हम चाहते हैं नहीं पहुंच पाया, जैसे सर लोग जाता है, इसलिए थोड़ा सा दुखी भी है, पर हाँ ये जीत पाया पर इसलिए भी ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, आप क्या लगता है आपको फाइनल में कहाँ मिस कर गए, क्योंकि पहले राउंड वो जीती, सेकंड राउंड में आप उनको पटका था, लेकिन वो आप दो राउंड भी उनके नाम पे गया, तो कहाँ लगता है आपसे कमी हुई, कहाँ चूक रह गई? हम हाँ फर्स्ट राउंड तो वो जीत गया था, पर सेकंड राउंड में हम पूरा कोशिश किए, हम मतलब हम पूरा जीतेगा क्योंकि बेस्ट ऑफ थ्री होता है हम लोग का, पर हमने पूरा कोशिश किया है पर भी नहीं हो पाया। गेम में तो हारना जीतना तो होता ही है, पर भी हम जो मेरा गलती है इस बार अच्छा से सुधार के नेक्स्ट टाइम हम अच्छा से कम बैक करेंगे ऐसे सोचा है। ये मेडल आप किसको डेडिकेट कर रहे हैं? ये मेडल मेरा मणिपुर लोगों, अभी मणिपुर के लिए जितना वो कर रहा है, मतलब हम लोग के लिए लड़ रहा है, वो लोग को डेडिकेट करता हूँ। हम लोग जाति को इतना अभी वो लोग ने प्रोटेक्ट किया है, इसके लिए वो लोग को डेडिकेट करना चाहता हूँ। और आज मैं यहाँ में पहुँचा हूँ, मैं हम साई एन सी इम्फाल में प्रैक्टिस करता है साल भर, मेरा सर प्रेम कुमार सिंह, उसने काफ़ी मेरा गाइडलाइंस, मतलब हर चीज़ पर्सनल लाइफ, मतलब बहुत उसने मदद किया है मेरे लिए, उसके वजह से मैं यहाँ पहुँच पाऊँ। उसके बाद हम जब गेम में आता है तो हम लोग का कुलदीप सर जी चीफ कोच, वो दोना सर एवर्डी है, और राजेश सर, वो लोग ने अच्छा से हम मेरा तैयारी किया है इस बार के लिए, और वो लोग को भी बहुत वो थैंकफुल कहना चाहता हूँ सर लोग को।